नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मौसम विभाग को लेकर आई है। आईएमडी ने दोस्तों अलर्ट जारी कर दिया है। लगभग भारत के दोस्तों 500 जिलों में तूफान आने की प्रबल संभावना है। लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्य अलग अलग दोस्तों जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर भारी नुकसान हुआ है राजस्थान के अंदर, वहीं दोस्तों बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर। इन तीनों राज्यों के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा आंधी तूफान देखने को मिला है। आपको बता दें, कल देर रात भी दिल्ली के अंदर हवा चली थी, लेकिन दो दिन पहले दिल्ली के अंदर बहुत ही तगड़ा भयंकर दोस्तों तूफान आया था, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए थे। जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों गाड़ियाँ दोस्तों पेड़ों के नीचे दब गई थी। और दोस्तों राजस्थान के अंदर भी सीकर चूरू झुंझुनू में भारी नुकसान हुआ, वहाँ पर भी दोस्तों बिजली विभाग को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। बिहार के अंदर भी आए दिन नए तूफान आ रहे हैं, जबरदस्त तबाही मच रही है। और अब दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। गोवा, महाराष्ट्र और केरल, कर्नाटक के अंदर मानसून की वजह से भारी बारिश आज रात दोस्तों मानसून इन राज्यों के अंदर पहुंचने की प्रबल संभावना। मानसून दोस्तों 29 मई को केरल कर्नाटक पहुंच गया है, वहां पर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन आज गोवा और महाराष्ट्र के इलाके के आसपास दोस्तों मानसून पहुंच जाएगा और यहां पर भारी बारिश कराने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर लगभग दोस्तों 200 जिलों के अंदर आज रात दोस्तों आंधी तूफान, कहीं कहीं पर भारी बारिश, कहीं पर धूल भरी आंधी, जिसकी स्पीड लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इन सभी जिलों के अंदर दोस्तों अलर्ट है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों के अंदर दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश, आंधी तूफान और ओले का। इसलिए आप सभी अलर्ट रहें, भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।